खाएगा तू। अच्छा हाँ
चलो फिर अब इस तरह करने हैं इन्हों दा कराची वाला प्याह मार छोड़ने हैं। हाँ तमी तो पढ़ना बिल्कुल तू भी अनपढ़ जाए ना। ओ ये कल नहीं है इन्हों दा कराची वाला प्याह फोन तो हो गया जी। चौधरी साहब ठेठा बाप तू मुबारक हो। मुबारक आपका जो कराची वाला भाई है ना अल्लाह उसे जिंदगी दे वो मर गया है। मर गया करना पे मरी गया मरी ओ मरी नहीं गया मरी शहर करो गया उसी और नहीं शहर करो नहीं गया ओ है हाँ ओ बिल्कुल ही मरी गया वो जरा नशों की रूट उड़ने हाँ ओ मरी गया हाँ हाय
तार गलत नहीं पड़ा, ये आपकी गलती है। उसने तार सही पड़ा है, हमने गलत पड़ा है। इसलिए कि आप अगर इस गांव में इस शहर में स्कूल बनने देते, आज मैं भी पढ़ा लिखा होता, ये भी पढ़ा लिखा होता, हम आसानी से यह तार पढ़ सकते थे। आपने स्कूल नहीं बनाने दिया और हम अनपढ़ रह गए। खुदा का वास्ता इस गांव में इस शहर में स्कूल बनने दीजिए। देखा सर साहब, बातिया सही कह रहा है कि अगर स्कूल बना होता, आप पढ़े लिखे होते तो आपको आज परेशानी का सामना ना देखना पड़ता। प्लीज सर साहब, अब स्कूल बनने दीजिए तो बच्चों को पढ़ने दे। हाँ सर साहब, मस्तानी साहब बिल्कुल ठीक कहती हैं। अगर आज आप पढ़े लिखे होते तो ये तार आप बहुत आसानी से पढ़ सकते थे। सर साहब, आपके पास ये जो दौलत जायदाद कोठी बंगले, इन्हें जंग भी लग सकता है, चुराने से चुराई भी जा सकती है, मगर इल्म एक ऐसी चीज है, ना तो उसे जंग लग सकता है ना ही चुराई जा सकती है। सर साहब, मैं इन बच्चों के भूख के लिए आपके पांव पड़ता हूँ, खुदा के लिए छोड़ दे झूठी शानी शौकत। ओए करमो जी, तू मारी आंखा खड़ी छोड़ गया। ओए और मैं वादा कर रहा है, अगर पीछे जमीन है ना, उठे कॉलेज भी बढ़सी, उठे स्कूल भी बढ़सी, उठे यूनिवर्सिटी भी बढ़सी, मदरसा भी बढ़सी, जिससे हमारे बच्चे तली मासूम कर छन, सब कुछ बढ़सी। तुम बड़ा कॉलेज किसे ने बढ़ा सा किसी मेरे पर, उस कॉलेज ने प्रिंसिपल साहबा मैडम सुमेरा हो गए। छुट्टी मेरे बच्चों ने पैरों थले आने हो जी। साहब ने जमीन दिखा, क्यों इन्होंने नहर होने चाहिए? बच्चो मैं कहूंगा साढ़ा सेठ आवे ही आवे, आपने कहना आवे ही आवे, साढ़ा सेठ आवे।